भोरंजुप मंडल की ग्राम पंचायत दिम्मी वार्ड नंबर 3 में सप्ताह में 2 बार ही पेयजल आपूर्ति होने से ग्रामीणों में गहरा रोष पनप रहा है। ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल को समस्या निवारण हेतु ज्ञापन सौंपकर मामले की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए कई बार आईपीएच विभाग को बताया गया, लेकिन समस्या आज तक हल नहीं हो पाई है। वहीं जिला परिषद के सदस्य पवन चंदेल ने ग्रामीणों की समस्या को प्रमुखता से उठाकर हल करवाने का आश्वासन दिया। बोरज उपमंडल के ग्राम पंचायत दिम्मी वार्ड नंबर 3 में सप्ताह में 2 बार ही पेयजल आपूर्ति होने से ग्रामीणों में गहरा रोष पनपा हुआ है। ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल के समस्या निवारण के बारे में ज्ञापन सौंपकर मामले की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए कई बार आईपीएच विभाग को बताया गया है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। वहीं जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल ने भी ग्रामीणों को समस्या को प्रमुखता से उठाकर हल करवाने का आश्वासन दिया। ग्रामीण जनकराज गुरमीत सिंह ने बताया कि गांव में पानी की समस्या बरकरार बनी हुई है और विभाग से बात करने पर जवाब मिलता है कि पंप मोटर खराब होने से समस्या पेश आ रही है। उन्होंने बताया कि आप जिला परिषद सदस्य के पास शिकायत की है ताकि परेशानी से छुटकारा मिल सके। दिल्ली का मामला है, वहाँ पर इन कम से कम 25 घर है जिनको पानी नहीं है, वहाँ पर इनको पानी की दिक्कत है और वहाँ पर इस करके जो डेपुटेशन यहाँ मिल गया है जिला परिषद में, और इन लोगों के वहाँ पर डिमांड है कि जो पुरानी पाइपलाइन है उनको चेंज किया जाए और बड़ी लाइनें डाली जाए ताकि लोगों को जो पानी तो वहाँ पर मिल सके, ये इनकी डिमांड है। आज मैं ये डिमांड जो है वो अपने ADC साहब से रतन गौतम जी से रख रहा हूँ, इसी बैठक में जिला परिषद में ना साथ में सम्माननीय चेयरमैन साहब से ये मैं बात कर रहा हूँ कि इन लोगों की जो है वो दिक्कत दूर की जाए, इनके वहाँ पर बड़ी लाइन डाली जाए ताकि इन लोगों को वहाँ पर जितने ग्रामीण हैं उनको खुला पानी मिल सके। तो इससे पहले उन्होंने IPS डिपार्टमेंट की आपकी बोरिंग में नहीं बात की, शिकायत ये विभाग से शिकायत करते रहे हैं बार बार, लेकिन विभाग ने जो पढ़ सुना करते हुए आज ये लोग मजबूरी बस यहाँ मैंने यहाँ तो इनको मतलब वहाँ पर वो लॉलीपॉप देते रहते हैं, लॉलीपॉप देते रहते हैं कि कर देंगे, कभी बोलते हैं मोटर चेंज कर रहे हैं, कभी बोलते हैं कुछ ऐसा जैसा कुछ करके जनता में होता रहा है। तो ये मामला मेरे पास जो है 2 वर्षों से चलम भी था, तो आज मैंने मजबूरी बस इनको अपने जिला परिषद बैठक में आपकी बैठक में मौजूद है वहाँ के अधिकारी, वहाँ का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, ना ही तो IPS से है ना ही तो PWD से, विडंबना है हमारे बोर्ड की, वो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को हाउस में बैठक में रखा है कि वो प्रस्ताव माननीय CM जी को भेजा जाए कि खुले जनमंचों में जो है वो विकास की बातें हो रही हैं लेकिन अंदर खाते जो है वो जनता त्रसित है और उसको जो है उसके कारण नहीं हो रहे हैं। वहीं इसके बारे में जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को हल करवाने के लिए बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित IPH विभाग के अधिकारियों के द्वारा केवल समस्या हल करने के लिए लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने रोष जताया कि जनमंच में खुले में समस्याएं हल करने की बात की जा रही है लेकिन अंदर खाते में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, जिससे लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। वो पानी बिल्कुल नहीं आता, कभी दूसरे दिन से नहीं आता है, वो भी थोड़ी देर की चीज और लाइनें बिल्कुल खराब पड़ी हैं। तो इन्होंने कई बार हमने शिकायत भी करी वहाँ उसी बोर्ड में जाकर, तो उन्होंने बोला कि हम आपकी बड़ी लाइन करेंगे और मोटर खराब रहती है हमेशा। ये ज़्यादा कितने घरों को 20-25 घर रहे, तो इसकी शिकायत आपने की वहाँ पे? तो 2-4 बार हो गया है वहाँ पे बसी में, बहुत दिनों से मोटर लगी हुई है ना, कभी वो खराब हो जाती है और लाइन छूटी है, बिजली नहीं आती है तो टैंक में पानी भी होता है, तब भी क्या होता है कि मोटर चलेगी नहीं तो पानी आएगा नहीं, अगर उसको डायरेक्ट कर दें टैंक से ना जी तो बड़ी पाइप लगा के तो उसको बाल खोल कैसे भी आ सकता है उसमें पानी, नहीं तो मुश्किल है। बिजली कई दफ़ा क्या होता है चली जाती है टैंक में तो पानी होता है, मगर उस मोटर की जगह अगर बड़ी लाइन डाल दें तो बहुत बढ़िया रहेगा।